होने गल्लां बातें घट साडे काम ज्यादा बोलदे काम की क्या अच्छा लगा इन लोगों से मिला ना, तो आज मन नहीं किया ब्लॉग एडिट करने का, नहीं तो हर रोज तो वो कंसिस्टेंसी रहती है। बाकी कल से दोबारा कंटिन्यूस आने लग जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात ही नहीं है। चलो जी, हेलो 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 गाइस, क्या हाल है मेरी चैनल का दर्द ब्लॉग की शुरुआत लेके फुल पावर नमस्कार अदाब सत श्री अकाल जी, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम बोलो, हर हर महादेव। तो भाई देखो, पहली बातचीत तो कुछ ऐसी है, ऑलरेडी डिलेट चल रहे हैं हम, तो मैंने आज पूरे दिन जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं किया, बट फिर मैंने बोला कि आप घर से निकला ही हूँ तो रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं। तो पहले चलते हैं गाइस जिम, उसके बाद सेनी आ रहा है, जो काम हमारा अधूरा रह गया था आज वो जरा फुल पावर कंप्लीट कर देंगे और तुम्हारे सामने बहुत जल्दी कैड़ा मामला जुगाड़ आ जाएगा। बाकी मुझे आकर्ष को दिखानी थी गाड़ी, बट अनफॉर्चुनेटली वो लेट हो जाएगा तो फ़ायदा है नहीं। बाकी तभी भी अगर रिएक्शन ले पाए तो उसका रिएक्शन ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना काम धंधे में लग जाएंगे और क्या है। चलो अभी जिम चलते हैं और फिर मिलते हैं। Pulling out black windows when she go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try to win. Hey Mitro, what's up? क्या चल रहा है? खाना पान नहीं सब ठीक? सोनू मोनू बढ़िया? तो गाइस सीन से ना कुछ ऐसा है, आकर्ष कम कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से नहीं आ पाया। मैंने बोला बेटी देने तो पहले ही बता देते, ठीक है कोई बात नहीं, हम गाने चलाएंगे, मौज काटेंगे और सो जाएंगे। यूं ही अभी खाना डल रहा है। हाँ एक काम करना, पूरा पलट दे पूरा, उसको कम कर लो भैया, भर के प्लेट भर दी मेरी तेरी पहन था। चलो खाना खाती है और सो जाती है और सुबह मिलते हैं ना फिर गाइस। व्लॉग एंड नहीं करूंगा क्योंकि व्लॉग स्टार्ट ही शाम को किया अपन ने। चलो जी सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है मेरी चानो का। अब देखो मैं व्लॉग तो पहले कल रात को ही स्टार्ट कर चुका था, तो वो आदत है ना सुबह सुबह गाड़ी में बैठते ही व्लॉग स्टार्ट करने की, तो वही करने लगा था। बाकी सीन सिनेरियो कुछ ऐसा है, तुम्हारा भाई निकल पड़ा है, तुम्हारे भाई को सुबह सुबह 10 बजे कॉल करके उठा दिया गया था कि ऐसा भैया बहुत टाइम हो गया हम मिले नहीं, मेरे बीकॉम एलएलबी वाले दोस्त, बहुत टाइम हो गया हम मिले नहीं, तो आज मिलते जुलते मैंने बोला मिल लेते हैं, वेल नहीं है घर से, वेल नहीं है पूरे बहन चो, मिल लेते हैं और क्या दिक्कत है। तो उन लोगों से मिलते हैं, तो फंक्शन करते हैं, फिर जीके की साइड चलेंगे। मेरा ना थोड़ा सा ऐसे ही विंडो शॉपिंग करने का मन सा हो रहा है। विंडो शॉपिंग समझ रहे हो ना क्या होती है? पैसा पूसा जिसके पास नहीं होता वो जाता, या जिसके पास बहुत पैसा होता है तो पहले डिसाइड करके आता है एक दिन पहले कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो विंडो शॉपिंग करके आते हैं, फिर तो फंक्शन करेंगे और घर आ जाएंगे। अपना तो यूं ही है सिंपल सा भाई, देसी बालक गामा के इतने गरीब हैं बस जीके से शॉपिंग कर पाते हैं, जो कहाँ हमारी औकात जो हम ऊपर की मार्केट में चले जाए ना भाई, नहीं हो पाता यार, भगवान ने इतनी गरीबी किसी को ना दे यार। शिट ब्रो, चलो गाइस लेट्स गो। गाड़ी पार्क कर दी गई है भाई, क्या बीस्ट लग रही है खड़ी हुई, और वो हमारे बेबीज, लेट्स गो लेट्स हैव सम फन। भूख भी तो लग सकती है ना, मैं हम घूमते थोड़ी रहेंगे, भूख भी तो लगेगी हमें, तो महंगी बात चीज चेक गाइस, महंगी बात चीज चेक। आओ गाइस मूवी देखते हैं, इन लोगों के साथ भी बहुत टाइम बाद मिला तो मैंने सोचा चल ठीक है यार कोई बात नहीं, जीके झुके जाते रहेंगे, मूवी देख लेते हैं अभी। और मैं हर मूवी आजकल दो बार क्यों देखने लगा हूँ, 370 बुक किया भाई इन्होंने, बहन की चुकी हो गई गाइस। get
अंतर्गत एक अलग विधान, अलग प्रथा और अलग निशान को स्वीकार कर हमने अनजाने में अपने ही देश में मानो एक अलग मुल्क खड़ा कर लिया था। Let's speak properly once you're back, huh? Chauhan, your voice is cracking, kya? Let's speak properly once you're back. तुझे फिर मिलूंगी अभी जाने दे मुझे। हम आर्टिकल 370 हटाएंगे लेकिन बाय फोर्स नहीं, मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके। ये काम आसान नहीं होगा, अड़चने जरूर आएंगे, समस्या पैदा करने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें उन्हें गलत साबित करना होगा। 370 हटाने का बिल हम पार्लियामेंट के आने वाले सेशन में आखिरी दो दिन 5 अगस्त और 6 अगस्त को यूज करेंगे। पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कश्मीर को हैंड ओवर कर दी गई, इंक्लूडिंग द पावर टू एब्रोगेट आर्टिकल 370। सभापति महोदय, संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ये घोषणा करना चाहती है कि प्रस्तुत हो रहे बिल के संसद से पास होने, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने और सरकारी गैजेट में प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू और कश्मीर राज्य में नहीं लागू होंगे। इसके अलावा सरकार ये भी प्रस्ताव रखती है कि आर्टिकल 370 के नियमित रूप से एब्रोगेट हो जाने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थिरता लाने और माइनॉरिटीज को सशक्त करने के लिए लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग कर दिया जाए और दोनों क्षेत्रों को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए। ये जो फैसला है इनका, ये बहुत भारी पड़ेगा देश के लिए। हम इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होने देंगे, अभी ये बिल वापस लेना होगा। अभी क्या कश्मीर पर भी तो पड़ेगा। क्या बात कर रही है, उनके हिस्से का कश्मीर सही में? क्या बात कर रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और अक्षर चिन्ह को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? ये तथ्यों पर बात कर रहा हूँ मैं, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। इसमें इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इमोशनल? अरे क्यों ना हो जाओ इमोशनल, क्या बात कर रहे हैं आप बात क्या कर रहे हैं? क्यों ना हो जाओ इमोशनल, कान खोल के सुन लीजिए थापर साहब। पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। द फाइनल वोटिंग काउंट इज इन, एब्स्टेन 1, ये था कौन ये महाशय, नोज 61 एंड आईज 125। Guys, have it. The motion to make Article 370 inoperative is hereby passed. चलो जी गाइस, लाट साहब बैठ चुके हैं अपने झूठे में, अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। भाई साहब आज व्लॉग मैंने नहीं डाला है बिकॉज आई फील कि भाई थोड़ा सा एक दिन का मैं रिलैक्सेशन चाहता था स्ट्रगल के बिना, तो अच्छा लगा इन लोगों से मिला था, तो आज मन नहीं गया ब्लॉग एडिट करने का, नहीं तो हर रोज तो कंसिस्टेंसी रहती है। बाकी कल से दोबारा कंटिन्यूस आने लग जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात ही नहीं है। बाकी अभी चलो घर की तरफ प्रस्थान करते हैं, घर चल के चिकन बनाते हैं, खाते हैं और मस्त लंबा लेट हो गए सो जाते हैं। गुड नाइट गाइस, मतलब गुड नाइट, घर चलते हैं, लेट्स गो। भाई साहब एक मिनट, चिकन विकन बन गया है, रोटी आ रही है, रोटी खाते हैं और फिर सो जाते हैं। भाई रफ्तार वाला व्लॉग एडिट करना है, मेरी एडिटिंग करने की 0% इच्छा हो रही है ना अभी, फक सेक। चलो कोई बात नहीं, खाना खाते हैं फिर देखते हैं एडिटिंग करने में बैठते हैं।
कर लेंगे, टेंशन ना लो, कल व्लॉग आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा गाइस, आएगा फुल पावर शेयर। इस वाले ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर देता है, अगर यहाँ तक ब्लॉग देख लिया और पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर पसंद नहीं आता लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बेल आइकन सब कुछ कर देना, तोड़ फोड़ मचा देना, तब तक के लिए तुम्हें पता ही है, यू नो द ड्रिल, बुर्रा बेबी, आई टेक अ लीव अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू पीपल, बाय बाय बेबीज। ये कोई शक नहीं, गरी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले।